खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। चलिए बात जयपुर की, जहां दौसा में किसान आंदोलन पर किरोड़ी जसकोर आमने सामने। किरोड़ी मीणा है राज्यसभा सांसद तो जसकोर है लोकसभा सांसद। एक ही पार्टी के दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर बयानों के वार किए। किरोड़ी मीणा ने कहा, आंदोलन में जसकोर की सलाह की हमें कोई आवश्यकता नहीं, वो कोई आंदोलनकारी महिला नहीं, वो एक झाड़ काटने वाली और सत्ता का सुख भोगने वाली महिला। किरोड़ी के बयान पर जसकोर का पलटवार, हाँ मैं झाड़ काटने वाली किसान की बेटी हूं, यदि कोई बकवास करता है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। तो किरोड़ी के बयान के बाद जसकोर का पलटवार, दोनों नेताओं ने एक दूसरे के बयानों पर किया है वार। किरोड़ी मीणा है राज्यसभा सांसद तो जसकोर है लोकसभा सांसद, और आंदोलन में जसकोर की सलाह की जरूरत नहीं, ये कहना किरोड़ी मीणा का। देखो, इसमें सलाह की बात नहीं है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन किसानों ने मना कर दिया कि हम ऐसे सांसद को हमारे कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहते जो हमारे जले पे नमक डाले। तो मैंने कहा, जले पे नमक कैसे डाला है? तो किसानों ने कहा कि जब हम इनसे मिलने गए, हम सब नेताओं से मिले, हम उनसे भी मिलने गए, तो उन्होंने ये कहा कि आपके झाड़ के पैसे मिल रहे हैं, बहुत मिल गए, जाओ। तो ये अपमान है किसानों का, इसलिए किसानों ने उनको बुलाना उचित नहीं समझा, तो उनकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। और हरा आंदोलन हम कोई जसकोर की सलाह से करते हों ऐसा नहीं है। वो कोई आंदोलनकारी महिला नहीं है, वो राजनीतिक सुविधा भोगने वाली महिला है। वो सुविधा भोगे, आराम से रहे, सत्ता का सुख भोगे, ये मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। अरे मैं तो झाड़ों वाले की हूँ, मैं औलाद ही झाड़ वाले की हूँ, मेरे माँ बाप ही झाड़ वाले थे और झाड़ में ही काट कर, मैंने क्या झाड़ नहीं काटे क्या? खेतों के झाड़ जिस जमाने में थे हमने हाथों से काट कर साफ किए हैं, तो झाड़ वाले के दर्द को मैं जानती हूँ। यदि कोई बकवास करता है किसी भी तरह की झूठी, उसका मेरे साथ पास कोई उत्तर नहीं। बर्फ से लदालद